नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत आपण को करछि आज मोर नूतन वीडियो को। आज मुसिक पहुँची गोटे बेगुनिया गछ पाखरे, आमे गाँ गहली बेगुनिया बोली कहू एवं हिंदी रे निर्गुंडी बोली जानु। आगरु मु जदियो या उपरे वीडियो करि सारिछि, तबे आज स्वतंत्र भाव आमे गंठी बात उपरे आलोचना करिया को जाउछे। तेणु मु आसी निर्गुंडी गछ पाखरे पहुँची, एथरु आमे किछि पत्र आज संग्रह करिबा जहा आमर बात रोग पाई उपकारी बोली आमे किछि या उपरे आलोचना करिबा। ए गछटी आपण माने सबु जगारे पाई पारिबे, वर्तमान वर्षा दिने सबु स्थान रे ए गछटी उठिथिबो, एमिति कि बाड़ कडरे बा खोला पड़िया रे ए गछ गुड़िक आमको देखा मिले। एथुरु आमे किछि पत्र संग्रह करिबा। प्रकृति देइथिबा आउ गोटे वृक्ष देखंतु, ये होची गंगशिउली गछ, आमे हिंदी रे आकु हार सिंगार बोली कहू। एथुरु मध्ये किछि पत्र आमे संग्रह करिबा। बात रोग पाई ये केमिति उपकारी से विषय आमे आज आलोचना करिबा। ए गछटी आपण अनायासरे बाड़ी बगीचा रे देखा पाइबे, सबु जगार ये गछटी होइथाए, बाड़ी रे अनेकों बाड़ी रे गछटी आमे देखा पाऊ। एथरु किछि पत्र मध्ये आमे नै जिबा। एटी आमे आलोवेरा लगेचे जहाँ को आमे घृत कुमारी बोली कहू, सेथिरु मध्ये खंडिया आलोवेरा आमे संग्रह करी नै जिबा। आज आमे गंठी बात बा आर्थराइटिस जहाँ को आमे कहूचे से विषय आलोचना करिया पाई मु रखिची किछि गंगशिउली पत्र। आउ आमे आनीथिले संग्रह करी बाड़ीरु बेगुनिया पत्र आउ आलोवेरा जहाँ को मु जूस बनेची। विशेष करी महिला मानक पाखरे ए रोगटी गंठी बात रोगटी बेसी देखा जाए, आउ 40 वर्षरु ऊर्ध्व हबा परे आमे ए रोगरे बेसी पीड़ित होइथाउ। तबे मु एथिरे रखिची देखंतु हळदी सुंठी आउ किछि मेथी दाना, याकु समान समान परिमाण रे नै आमे गुंड करि दबा। गुंड करिया परे गोटिए गोटिए चामच दी बेला उषुम पानी रे जदि खाइबा ताहले गंठी बात उपशम होइथाए। ता छडा एहा मोटापा कब्ज ग्यास एसिडिटी एवं थायराइड रे मध्य फलप्रद एई तीनोटी जाकर गुंड को जदि आमे नोजे। आउ निर्गुंडी पत्र बा बेगुनिया पत्र, एई पत्ररु 4-5 पत्र एथुरु नेई जदि आमे 2 ग्लास पानी रे सिझे कि काढ़ा बनौचे। आगरु मु काढ़ा बन कि आपन को देखैछि मो वीडियो पूर्ववर्ती वीडियो गुड़िक आप देखि पारंती। काढ़ा को आमे बनैबा केमिति सेटा मध्य आपन सेथिरु सिखि जिवे। तबे आउ थरे मु कहि रखुछि, आमे जतेबेले काढ़ा बनैबा गोटे माटी पात्र रे जदि बनौचे ताहले सबुठु भलो लाभप्रद, नचेत स्टील पात्र रे बनै पारिबा। आलुमिनियम रे आदो केबे हेले काढ़ा बनैबे नाही। एही निर्गुंडी पत्र को 2 ग्लास पानी रे सिझाई जेतेबेले अधा रहिबो ताकू अल्प उषुम थाइकी आमे सकाळु खाली पेट रे पीबा। जदि पिउचे ताहले गंठी जंत्रणा ये भलो करे। ता संगे संगे महिला मानंकर मासिक धर्म समय रे होतिबा जंत्रणा मध्ये दूर करे। थंडा छिंक कफ काश आलर्जी जनित जेते प्रकार रोग सबुति पाई एही काढ़ाटी लाभप्रद। आमे आलोवेरा रस नेचे प्रथम दिन जेतेबेले आमे आरंभ करिबा, ए आलोवेरा रस को आमे न छाणी 2 चामच रस याकु नबा, फाइबर बाला रस जोथिरे कि आमे चिमुटाए हळदी गुंड मिसेइ दबा। याकु प्रथम दिन 2 चामच आमे पीबा, तापर द्वितीय दिन को आउ गोटे चामच अधिका नबा। एमती अधिका अधिका करी आमे 15 दिन पर्यंत 15 चामच करी सेथिरे टिके टिके हळदी गुंड
ଅଧିକା ମିଶାଇ ଚିମୁଟେ ଚିମୁଟେ କରି ଅଧିକା ମିଶାଇବା ଏବଂ ଯଦି ପିଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ୟାକୁ ଆମେ 15 ଦିନରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର। ଇଏ ତ ଅତି ଅମୃତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ, ଏହାର ବହୁତ ଗୁଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଇଏ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହାର କାଢ଼ା ଆମେ 5-7 ପତ୍ରକୁ ନେଇ ବନେଇବା, ନଚେତ ଏଇ ଗଛର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ା ବନେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫୁଲ ଏହାର ନାହିଁ, ଫୁଲ ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଫୁଲ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ସହିତ ମିଶାଇକି କାଢ଼ା ବନେଇ ପାରିବେ। ୟାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏଇ କାଢ଼ାଟିକୁ ସେମିତି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ଆମେ ଯଦି କାଢ଼ା ବନେଇକି ପିଉଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ଅତି ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ବାତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମର ଯଦି ସାଇଟିକା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ କରିଥିଲେ ବି ଇଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଚଳେଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ୟାକୁ ଆମେ 15 ଦିନରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବା। ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥାଇ ଆମେ ପିଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ପୁରୁଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବା। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଭରି ବୃକ୍ଷଲତାରେ, ଆମ ଚାରିପାଖେ ମିଳଇ ଯାହା ହାତ ପାଖରେ, ହତା ଦର ତାକୁ ନ କରି ଯେବେ ଲଗାଉ କାମେ, ନିରୋଗ ରହିବ ଶରୀର ଏହା ରଖିବା ମନେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପରାମର୍ଶ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏ ବିଷୟରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।